हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। बीएससी फाइनल में आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेकंड, और जो कि है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स पर बेस्ड, और जिसके हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन। दोनों ही फॉर्मूले से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए, आज हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, गिवन यू नॉट इक्वल 580, यू वन इक्वल 556, यू टू इक्वल 520, यू फोर 520, U4 इक्वल 384, फाइंड U3। हमें निकालना क्या है, U3 फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ये पेपर में आया हुआ है 2013 और 10 में, ठीक है। U3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई टेबल नहीं बनानी है। आप सोचोगे टेबल बनाए, नहीं, बिल्कुल नहीं बनानी है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, कितनी स्टेप है, 4 तक स्टेप गिवन है, यानी 5 कुल स्टेप कितनी है, 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 स्टेप है, जब एक्स 5 होंगे तो अंतर कितने बनेंगे, 4। तो इसलिए डेल 4 यू एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, डेल 4 यू एक्स लिख दो या यू नॉट। यू नॉट क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऊपर से वैल्यू बनाते हुए चलते हैं, तो हमारे पास यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी, डेल 4 यू नॉट इक्वल 0। डेल 4 यू नॉट इक्वल हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, 0 या ये कह सकते हैं ये वैल्यू आएगी। अब देखिए क्या होगा, डेल 4 को क्या कह सकती हूँ मैं, ई माइनस आई की पावर 4 यू नॉट, अब इक्वल 0। खोलोगे तो हमारे पास आएगा 4c0 ई 4 माइनस 4c1 e3 प्लस 4c2 e² माइनस 4c3 e1 और प्लस में 4c4 e0 u0 इक्वल 0। ये इसी तरीके कैसे करते हैं, तो 4c4 को खोलोगे तो 4 फैक्टोरियल अपन में 0 फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 यानी 1 हो गया, तो e4। यहाँ देखिए 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1 3 फैक्टोरियल, तो यानी कि ये कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस 4 ई क्यू। अब आगे देखिए 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो इसको खोलोगे 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 2 2 4 3 2 6 6 ई स्क्वायर। आगे देखिए 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यानी 4 खुल जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस 4 ई, और आगे अगेन 1 हो जाएगा, प्लस e0 यानी 1 यू नॉट इक्वल 0। अब क्या करोगे, यू नॉट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, u4 माइनस 4 u3 प्लस 6 u2, ये जानते हो ना आप सभी, u1 प्लस u0 इक्वल 0। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, U4 की वैल्यू कितनी है, 384 माइनस 4 मल्टीप्लाई U3 हमें नहीं मालूम, तो 4U3 को मैं इधर भेज दूं, ठीक है, क्या कर देंगे, इसको प्लस कर दो, U2 की वैल्यू रख दो 520 माइनस 4 मल्टीप्लाई U1 की वैल्यू 556 प्लस U0 की वैल्यू 580 इक्वल 4U3 इक्वल 4 ऐसे बना लेना आप, 4U3, ठीक है। अब देखिए U3 की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, कैलकुलेटर से हम करेंगे, थ्री एट फोर प्लस 6 मल्टीप्लाई 520 माइनस 4 मल्टीप्लाई 556 और प्लस 580, इसका वैल्यू आएगी 1860।
तो 4u3 इक्वल 1860, और u3 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 1860 डिवाइड 4, और 1816 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारी आएगी 465। ये किसकी वैल्यू आ गई, u3 की वैल्यू आ गई। तो ये आया हुआ क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। अब हम एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड वही है, टेबल और फॉरवर्ड फॉर्मूले से लगाना है और सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द सेल्स ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर। ईयर एस्टिमेट द सेल्स फॉर द ईयर, सेल्स फॉर द ईयर 1951 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1951 यहाँ देखिए ईयर, और मैं ऐसा कर लेती हूँ सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ ईयर और वो, ठीक है। ईयर यानी एक्स और फिर है सेल्स यानी वाई या एफ एक्स। देखिए कितनी है, 1946 और फिर 1948, फिर है 1950, 1952 और 1954, और यहाँ पर वैल्यू है 40 ठीक है, ये वैल्यूज हैं। अब देखिए ये वैल्यू है, तो अब हम क्या निकालेंगे, डेल एफ एक्स। ये सॉल्यूशन में डायरेक्ट मैंने बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्योंकि हमें ये टेबल यहाँ लिखने की बजाय मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दी ताकि स्पेस भी मिल जाए। क्वेश्चन क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सेल्स ऑफ फर्म, एक फर्म की हमें सेल्स गिवन है फॉर द लास्ट 5 ईयर, पाँच सालों की। अब क्या बोला, द सेल्स ऑफ कितनी की निकालनी है हमें, 1951 की निकालनी है, यानी कि ए प्लस एम एच की वैल्यू क्या होती है, 1951 होगी। अब हम क्या निकालेंगे, डेल एफ एक्स निकालेंगे। डेल एफ एक्स क्या आएगा, 3 आएगा, और ये कितना आएगा, 5 आएगा, और ये कितना आएगा, 4 आएगा, और ये कितना आएगा, 7, कितने आएंगे, 5 ठीक है। अब कितने, डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू 2 माइनस 1 और 1। डेल क्यू एफ एक्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 1 यानी प्लस 1 हो गया, वन माइनस प्लस हो गया, सही है। वन माइनस कितना आएगा, 3 यानी माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 3 यानी 4, यानी कि लास्ट हमारी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब 4 वैल्यू आ गई, तो ये तो हमारी टेबल हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, ए प्लस एम एच इक्वल 1951। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 1946, और एम की वैल्यू यानी कि डिफरेंस कितने का चल रहा है, दो दो साल का चल रहा है, 2 एम मल्टीप्लाई 2 इक्वल 1951। अब हम निकालेंगे यहाँ से एम की वैल्यू, एम इक्वल कितना आएगा, 1951 माइनस 1946, अब ऑन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ठीक है, और ये आएगा 5/2 ठीक है। तो 5/2 का आंसर हम देख लेते हैं कितना आता है,
1951 माइनस कितना है 1946 और डिवाइड में 2.5। अब फॉर्मूला आपको पता है कितने तक खुलेगा, 4 तक खुलेगा, तो बाय फॉर्मूला बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, तो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से हमारे पास में क्या है, एफ ए प्लस एम एच, तो एफ ए प्लस एम एच मैं डायरेक्ट बता दूं तो एफ 1951 इक्वल एफ ए, एफ ए की वैल्यू कितनी है 40 प्लस एम इंटू डेल एफ ए, एम एम की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई 3 प्लस एम इंटू एम प्लस वन या एम माइनस वन, तो फॉरवर्ड में क्या होता था एम माइनस वन, एम की वैल्यू 2.5 माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2.5 माइनस 1 2.5 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 6 और मल्टीप्लाई कौन से स्टेप माइनस 3, माइनस 3 आ गया। अब देखिए एक और स्टेप बची है, वो कौन सी बची है, 4 वाली बची है, एक करेक्शन और कर, एक करेक्शन आप यहाँ कीजिए, 1 माइनस 1, हाँ तो 1 माइनस 1 कितना होता है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर ये आएगा 2 और 2 माइनस 1 यानी 5, हाँ अब सही है। तो आप लास्ट स्टेप और लिखेंगे, तो आप देखिए लास्ट स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं, लास्ट स्टेप प्लस में 2.5 माइनस 1 2.5 माइनस 2 2.5 माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई 5। अब इसे सॉल्व आउट करेंगे, तो सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए डायरेक्ट सॉल्व आउट करते हैं, कितना है 40 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट लगाइए 2.5 माइनस 1 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और बाहर लिख दीजिए मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2.5, तो आंसर निकाल लो। अब आगे फिर प्लस का साइन लगाओ और प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगा दो और 3 2 6 यानी ब्रैकेट लगाओ 2.5 डिवाइड 2 आ जाएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 माइनस 1, ब्रैकेट बंद करिए, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 माइनस 2 और ब्रैकेट बंद कर दो और आंसर निकालो, तो आएगा 50.3125। और लास्ट वैल्यू और देख लेते हैं, प्लस में ब्रैकेट लगाओ 2.5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 24, ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 माइनस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 माइनस 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2.5 माइनस 3, कितना आ गया 50.1171। एफ 1951 की वैल्यू कितनी आ गई 50.1171, ठीक है 50.1171। और ये किस में, हमें बोला क्या था क्वेश्चन में,
सेल निकालनी थी और सेल 1000 में निकलेगी, ठीक है। ये आंसर किसमें आएगा, जो इकाई आपको गिवन होगी तो 1000 में गिवन होगी। तो ये हमारा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने किया और दोनों ही पेपर में आए हुए थे। अब हम नेक्स्ट में आगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जो प्रैक्टिस के लायक हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप निकाल सकते हो इसी मेथड से, फॉरवर्ड से, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है तो आप आराम से निकाल सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं करना है, सीधे टेबल बनानी है और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला या बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला किसी एक से आप सॉल्व आउट कर लो तो आंसर उसका आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।